1, 2, 3, fuck it. Hi guys, welcome back to the first series of Oceans. सीधा चैप्टर पे बढ़ता हूँ. ओशंस के बारे में आज अपन बात करेंगे. क्या होता है ओशंस? इट इज ऑल्सो नोन एज द सी और एन ओशन, बट फर्क क्या है? अब इट इज अ बॉडी विच इज ऑफ सॉल्ट वाटर, नमक का पानी. अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ कवर होता है इन ओशंस में, ठीक है. एंड 97% ऑफ द अर्थ वाटर, मतलब आपके नल का पानी, आपके पास का पानी, जितना भी पानी आपको आसपास दिख रहा है, एवरीथिंग इज 97% सिर्फ ओशन से ही आता है. ये ओशन की डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे दी हुई है. इसको अच्छे से आप पढ़ लो, इंटरव्यूज में भी आपको बहुत बार पूछी जा सकती है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओशन. अब क्या बता रहा है ये? इट इज ऑल्सो नोन एज द सी, ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड, मतलब इसमें बताना बेसिकली ये चाह रहा है, आपको परसेंटेजेस याद रखनी है कि 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ ओशन ओनली. इट इज कवर्ड विथ दीज वाटर बॉडीज एंड 97% ऑफ अर्थ वाटर इज ओशन. सिंपल, समझ में आ गया, मूव ऑन करते हैं, ठीक है. अब आते हैं वर्ल्ड में ओशन कितने हैं टोटल. 5 ओशन है टोटल, आपको दिख ही रहा है. पहला आपका है पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है इंडियन ओशन, चौथा है सदर्न ओशन एंड पांचवा है आर्कटिक ओशन. ये 5 नाम आपको बहुत अच्छे से रिमेम्बर करने हैं. मैं आपको इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बताऊंगा, आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, बट यू नीड टू रिमेम्बर दीज 5 नेम्स वेरी थॉरली. पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन. सो लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दीज ओशंस. विच इज द, अब ये वो फैक्ट्स है जो आपको मोस्टली हर स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू में या टेस्ट में पूछे जा सकते हैं. विच इज द लार्जेस्ट ओशन? पैसिफिक ओशन. Which is the smallest ocean? Arctic Ocean. Busiest ocean? Atlantic Ocean. Due to America. Only ocean named after country? अपना भारत, Indian Ocean. Atlantic Ocean is divided by 2 parts. North Atlantic Ocean and South Atlantic Ocean. इसका geographical location बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, which will be covering. But ये जो 5 important facts है, इनको आपको याद रखना ही रखना है. ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी स्पॉन्सरशिप्स के लिए एंड द स्टैटिक जीके पार्ट आल्सो व्हिच कम्स. अब ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे आ जाते हैं. सो दीज आर योर ज्योग्राफिकल लोकेशंस, इनको अच्छे से देखिए. अटलांटिक ओशन पे जाऊंगा पहले. इसके ऊपर है नॉर्थ, इसके नीचे है साउथ, बीच में एक लाइन खींचो. ऊपर वाला है नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला है साउथ अमेरिका. इसके बीच में क्या है? अटलांटिक ओशन. तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन. नीचे वाला क्या हो जाएगा? साउथ अटलांटिक ओशन. इंडियन ओशन का पार्ट ना वी जैसे बना हुआ है, तो वी नीड टू रिमेम्बर द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन. इंडियन ओशन कैसे याद रखेंगे? इंडिया के नीचे, उसके जस्ट राइट में ऑस्ट्रेलिया के पास आएगा पैसिफिक ओशन. अब आपको पता है स्फीयर गोल होता है, तो स्फीयर गोल है तो अटलांटिक ओशन के लेफ्ट में भी पैसिफिक और इंडियन ओशन के राइट में भी पैसिफिक, दोनों जगह आपका पैसिफिक ओशन आ जाएगा. अब सदर्न, साउथ इंडिया क्या नीचे का होता है ना, साउथ वाला पार्ट, जैसे चेन्नई है वो साउथ इंडिया में आता है, तो नीचे, तो नीचे ही सदर्न ओशन भी गिना जाएगा, ठीक है. तो वी नीड टू रिमेम्बर सदर्न ओशन बाय, इट इज इन द साउथ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. तो दैट इज सदर्न ओशन. पैसिफिक आपको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, इट इज द बिगेस्ट ओशन. तो इसीलिए वो इंडियन ओशन के राइट में भी है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, और वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट में भी है. तो वो गोल है ना, तो गोल का मतलब एक स्पीयर जैसा है, तो यहाँ के राइट में है, यहाँ के लेफ्ट में है, तो वो मिलके गोल हो जाता है. तो ये पार्ट भी पैसिफिक ओशन हो गया और ये पार्ट भी पैसिफिक ओशन हो गया. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. आई होप आपको ओशंस बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इफ यू वॉन्ट मोर इम्पोर्टेंट वीडियोज ऑन केनाल्स और आगे आने वाली सीरीज भी, लाइक सीज एंड केनाल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी रूट्स, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. मेरे ज्योग्राफिकल सीरीज में 4 से 5 और वीडियोस हैं जो मैं लाने वाला हूँ, बट आई विल ओनली ब्रिंग इफ यू गेट मी गुड इंटरेक्शन ऑन दिस वीडियो. आई वॉन्ट कि जितने व्यूअर्स हैं उतने लोगों लाइक करें इस वीडियो को, उतने लोग सब्सक्राइब करें. इफ आई गेट दैट, आई डेफिनेटली ब्रिंग अ बेटर एंड मोर बेटर कॉन्टेंट फॉर यू ऑल. सो सब्सक्राइब एंड आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.